हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट टाइटल से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि BSc AG फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर 7 जुलाई को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड विद्यार्थियों की हेल्प के लिए हमने सोचा कि एक लेक्चर अपलोड किया जाए। और साथ साथ इस लेक्चर के अलावा एक दूसरा लेक्चर, इसका पार्ट टू भी हम लेकर आएंगे। हो सकता है आज शाम को या कल अर्ली मॉर्निंग में हम इसका पार्ट टू लेक्चर लेकर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि दोनों लेक्चर को कंडक्ट करने के बाद आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो साथियों, पहला आज की इस लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 कि ए सीड कंसिस्ट, यानी एक सीड में होता है, एक सीड में क्या क्या पाया जाता है। तो साथियों, ऑप्शन है कि इसमें एम्ब्रियो होता है, इंटैक्ट एम्ब्रियो पाया जाता है, इसमें फूड मटेरियल होता है, इसमें सीड कोट होता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो भी होता है, उसके अंदर फूड मटेरियल्स भी होता है, मतलब एम्ब्रियो को सर्वाइव करने के लिए उसमें फूड मटेरियल सोर्स भी पाया जाता है, और साथ ही साथ उसकी प्रोटेक्शन के लिए सीड कोट भी पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपका एक सीड के अंतर्गत पाई जाती हैं, एक सीड कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, न्यूक्लियस सीड इज प्रोड्यूस बाई, जो न्यूक्लियस सीड होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला है आपका ब्रीडर सीड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बी ऑप्शन है आपका फाउंडेशन सीड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सी ऑप्शन है आपका प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या डी ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस सीड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस सीड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब ये किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, पादप प्रजनक होते हैं, उनके द्वारा न्यूक्लियस सीड को प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी अदर जो है वो सब तो सीड हैं, ठीक है। तो सीड के द्वारा जो है सीड को प्रोड्यूस करना, मतलब थोड़ा सा ये आपका जो फैक्ट है, तथ्य जो है वो सही नहीं लग रहा है। तो ये किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, मतलब एजेंट की बात कर रहा है, किसके द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियस सीड। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, न्यूक्लियस सीड इज़ द सोर्स ऑफ, न्यूक्लियस जो सीड होता है ये किसका सोर्स है। तो न्यूक्लियस सीड इज़ द सोर्स ऑफ, ऑप्शन नंबर आपके ए हैं। पहला ऑप्शन आपका ब्रीडर सीड का सोर्स है, ठीक है। एक मिनट ज़रा देखते हैं, ये इसका थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा जो है आप देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस सीड इज़ द सोर्स ऑफ, जो न्यूक्लियस सीड है वो किसका सोर्स होता है। तो न्यूक्लियस सीड होता है ब्रीडर सीड का सोर्स होता है, बी ऑप्शन आपका फाउंडेशन सीड का सोर्स होता है, बोथ ए एंड बी, ब्रीडर और फाउंडेशन दोनों का सोर्स होता है, या नॉन ऑफ द एबव, इनमें से किसी का सोर्स नहीं होता है। तो न्यूक्लियस सीड के द्वारा बनाया जाता है, कहने का मतलब इस टाइप से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियस सीड से बनता है आपका ब्रीडर सीड, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है आपका, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, फाउंडेशन सीड इज़ द प्रोजनी ऑफ, तो फाउंडेशन सीड जो है वो प्रोजनी होता है, किसका प्रोजनी होता है फाउंडेशन सीड। तो साथियों, फाउंडेशन सीड जो है फाउंडेशन सीड का प्रोजनी होगा, या तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका न्यूक्लियस सीड का प्रोजनी होगा, ये भी गलत है आपका, सी ऑप्शन आपका ब्रीडर सीड की प्रोजनी होगा, या डी ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव। तो साथियों, आप लोग को पता होना चाहिए जो एक सीक्वेंस होता है सीड का, तो सबसे पहले आपका आता है न्यूक्लियस सीड, ठीक है, उसके बाद आपका ब्रीडर सीड आता है, फिर उसके बाद आपका फाउंडेशन सीड आता है, फिर उसके बाद आपका जो है सर्टिफाइड, और उसके बाद रजिस्टर्ड सीड। तो ये फाउंडेशन की प्रोजनी होते हैं आपके सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड, और बाकी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस की प्रोजनी होता है आपका ब्रीडर, ब्रीडर की प्रोजनी होता है आपका फाउंडेशन, और फाउंडेशन की प्रोजनी होती है आपका सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड। तो ये दो आपकी प्रोजनी, सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड, ये प्रोजनी होती हैं फाउंडेशन की, और ब्रीडर की प्रोजनी होती है फाउंडेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाउंडेशन सीड इज़ द प्रोजनी ऑफ, तो फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजनी होती है। तो साथियों, आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ब्रीडर सीड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ब्रीडर सीड की प्रोजनी है फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड किससे बनता है, तो ब्रीडर से बनता है, ब्रीडर सीड से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट डॉट करके दिया गया है, डॉट डॉट हैज़ गोल्डन ब्राउन टैग, मतलब किस सीड का जो है आपका, किस सीड का जो टैग होता है वो गोल्डन ब्राउन होता है। तो साथियों, आपका ऑप्शन है ए, न्यूक्लियस सीड का
टैग गोल्डन ब्राउन होता है या फिर आपका गोल्डन सीड का टैग गोल्डन ब्राउन होता है। तो इस टाइप से कन्फ्यूजिंग टाइप के भी इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। तो गोल्डन सीड टाइप का कोई सीड होता ही नहीं है। सी ऑप्शन आपका ब्रीडर सीड या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड का जो टैग होता है वो होता है आपका गोल्डन, ठीक है, गोल्डन जो टैग होता है गोल्डन ब्राउन टैग वो आपका ब्रीडर सीड का होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड इन, नेशनल सीड जो कॉरपोरेशन है वो फाउंडेड, उसकी स्थापना की गई, उसकी स्थापना हुई थी। तो कब स्थापना हुई थी उसकी? पहला है ऑप्शन 1950 में हुई थी, बी ऑप्शन है आपका 1953 में हुई थी, सी ऑप्शन आपका 1960 में, ये आपका डी ऑप्शन है आपका 1963 में। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी जो है 1963 में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सबको पता ही होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में है, बी ऑप्शन आपका मुंबई में, सी ऑप्शन बेंगलोर में, या डी ऑप्शन आपका कोलकाता में। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है किसका? नेशनल सीड कॉरपोरेशन का, NSC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, नेशनल सीड कॉरपोरेशन प्रोड्यूस, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन होता है ये क्या उत्पन्न करता है, किस प्रकार की, किस कैटेगरी का बीज उत्पन्न करता है? तो साथियों पहला ऑप्शन है आपका ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करता है, बी ऑप्शन आपका फाउंडेशन सीड, सी ऑप्शन आपका न्यूक्लियस सीड, या डी ऑप्शन आपका और नन ऑफ द एबव, इनमें से कुछ नहीं प्रोड्यूस करता। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट ऑप्शन सही है आपका, फाउंडेशन सीड जो है आपका, फाउंडेशन सीड नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो इसको ध्यान से पढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9, फाउंडेशन सीड्स हैज, फाउंडेशन सीड्स विद डॉट डॉट करके दिया गया है सर्टिफाइड टैग कलर। तो फाउंडेशन जो सीड होता है उसका टैग होता है किस प्रकार का टैग होता है? तो ऑप्शन ए है आपका वाइट, बी ऑप्शन आपका ब्लू, सी ऑप्शन आपका गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं किसका था, तो था साथियों ब्रीडर का था, और डी ऑप्शन आपका ग्रीन। तो ग्रीन तो कहीं है नहीं, तो ग्रीन तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, वाइट हो सकता है या ब्लू हो सकता है इनमें से, चूँकि गोल्डन ब्राउन को हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो ये तो सही नहीं होगा, ये तो वाइट होगा या तो ब्लू होगा। तो साथियों जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो है आपका वाइट। तो फाउंडेशन सीड का जो सर्टिफाइड टैग कलर होता है वो होता है वाइट कलर, ठीक है। तो वाइट कलर जो है आपका फाउंडेशन सीड का सर्टिफाइड टैग कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है क्या है कि रजिस्टर्ड सीड इज आल्सो नोन एज, तो जो रजिस्टर्ड सीड होता है, रजिस्टर्ड सीड को और भी किस नाम से जाना जाता है? 10वां नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपका सर्टिफाइड सीड के रूप में जाना जाता है इसे, इसे ब्रीडर सीड के रूप में जाना जाता है, इसे ए और बी दोनों के नाम से जाना है, मतलब इसे सर्टिफाइड के नाम से और ब्रीडर दोनों के नाम से जाना था। तो ब्रीडर सीड के नाम से तो जाना नहीं जाएगा, ये तो आपका ऑप्शन गलत ही है, ठीक है, ये तो सही हो नहीं सकता। और जब ये नहीं सही हो सकता तो आपका तीसरा भी सही नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन है आपका फाउंडेशन सीड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें कि रजिस्टर्ड सीड को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों रजिस्टर्ड सीड को फाउंडेशन सीड के नाम से भी जाना जा सकता है, इसे इस नाम से भी आप जान सकते हैं कि रजिस्टर्ड सीड जो है आपका वो फाउंडेशन सीड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो न तो सर्टिफाइड होगा, सर्टिफाइड नहीं होगा तो आपका ब्रीडर सीड जो है आपका, और सी ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, जब एक गलत हो जाएगा इसमें तो फिर आपका ये भी गलत हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका बचेगा आपका चौथा ऑप्शन फाउंडेशन सीड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड सीड को फाउंडेशन सीड के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी आप इसे पुकारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11th, विच इज़ द प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड किसकी प्रोजनी होती है? तो साथियों जो रजिस्टर्ड सीड है वो किसकी प्रोजनी है? तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार से सीक्वेंस होता है, NBFO उसके बाद CNR इस टाइप से। तो रजिस्टर्ड सीड किसकी प्रजनी होती है? तो साथियों ऑप्शन है आपका ए कि ये सर्टिफाइड सीड की प्रजनी होती है, बी ऑप्शन आपका फाउंडेशन सीड की प्रजनी होती है, बोथ ए एंड बी, या डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ द एबव। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है कि रजिस्टर्ड सीड किसकी प्रजनी है? तो साथियों आपका रजिस्टर्ड सीड जो है आपका ये सर्टिफाइड सीड की प्रजनी होती है,
ये किसकी प्रोजनी है, सर्टिफाइड सीड की प्रोजनी है। ये आपका इस टाइप से जो है सीक्वेंस होता है, एन बी एफ ओ, उसके बाद आपका सी एन आर, ठीक है। इस टाइप से जो है आपका इनका सीक्वेंस होता है। वैसे अगर इसको आप फाउंडेशन सीड का भी मान सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो रजिस्टर्ड होता है वो सर्टिफाइड सीड की प्रोजनी माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए, सर्टिफाइड सीड ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा आवाज़ हमारी डाउन हो गई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, व्हाट इज़ द कलर टैग ऑफ सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड का कलर टैग क्या है। तो साथियों हमने दो प्रकार के कलर टैग पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था ब्रीडर का, तो ब्रीडर का है आपका गोल्डन, गोल्डन कलर, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रीडर का हमने पढ़ लिया गोल्डन कलर, ठीक है। उसके बाद हमने फाउंडेशन का पढ़ा, फाउंडेशन का वाइट। तो हमने दो तो पढ़ लिया, अब देखिए इससे हमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि व्हाट इज़ द कलर टैग ऑफ सर्टिफाइड सीड। तो वाइट तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा आपका गोल्डन ब्राउन भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा हमारा, बी ऑप्शन बचा, ठीक है, एजोर ब्लू, और या डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव। तो साथियों जो आपका सर्टिफाइड सीड होता है, सर्टिफाइड सीड का जो कलर है वो आपका बी ऑप्शन आपका एजोर ब्लू, या कॉमन आप ब्लू भी कह सकते हैं। ये आपका सर्टिफाइड सीड का कलर टैग होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो आपको लगभग लगभग सारे कलर टैग याद भी हो गए होंगे। ब्रीडर सीड का गोल्डन ब्राउन कलर, फाउंडेशन का वाइट हो गया, आपका जो सर्टिफाइड जो है आपका सर्टिफाइड का हो गया आपका ब्लू हो गया, ठीक है, सर्टिफाइड का हो गया ब्लू। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, द स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा वाज एस्टेब्लिश इन। तो हरियाणा का जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है वो कब उसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों आपके ऑप्शन है 1973 में, 1972 में, या 1975 में, या 1974 में। तो किस सन में हरियाणा जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है, 1974 में हरियाणा का जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1974। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, एग्जाम्पल ऑफ इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन का इसमें उदाहरण है। तो इपीजियल जर्मिनेशन का उदाहरण है ऑप्शन आपका ए बीन्स है, बी ऑप्शन आपका पपाया है, या ए और बी दोनों ऑप्शन, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी मतलब आपका बीन्स और पपाया दोनों के दोनों जो है इपीजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15, एग्जाम्पल ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन। अभी हमने इपीजियल जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, अब हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में बता रहे हैं आपको। तो इपीजियल जर्मिनेशन क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है, इस पर हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है और किस कैटेगरी में, मोनोकार्ड या डाईकार्ड में, किस में ज़्यादा प्रेफरेंसेस होते हैं इपीजियल जर्मिनेशन के, हाइपोजियल जर्मिनेशन के, और एक्चुअली में इसमें होता क्या है इस प्रकार के जर्मिनेशन में, इसको हम एक शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15, एग्जाम्पल ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल है क्या है, तो आपका पीज है, ग्राम है, या मैंगो है, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, जो पीज, ग्राम और मैंगो ये सारे के सारे जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्वेश्चंस क्या बताता है कि देर आर 4 स्टेजेस ऑफ सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज, और चौथा है आपका कॉटिलेडेंट्री स्टेज। ये 4 स्टेजेस होती हैं सीड डेवलपमेंट की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं, तो कह रहा है कि इन प्रिकोशियस जर्मिनेशन, जो प्रिकोशियस जर्मिनेशन होता है, प्रिकोशियस जर्मिनेशन में जो जर्मिनेशन होता है वो सीड के अंदर, जो आपका फ्रूट होता है, फल होता है, फल के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है सीड, ऐसी कंडीशन होती है। तो सीड का जर्मिनेशन जब फ्रूट फल के अंदर हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को प्रिकोशियस जर्मिनेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, तो कह रहा है कि इसमें जो सीड होता है, सीड जर्मिनेट बाय अंडर गोइंग ऑल स्टेजेस, सीड जो है जर्मिनेट होता है सभी चारों जो स्टेज होती हैं, चारों स्टेज को पास आउट करके, चारों स्टेज से गुजर करके जो है सीड का जर्मिनेशन होता है, पहला ऑप्शन है। तो हमें लगता है कि ऑप्शन तो सही नहीं है, गलत है। दूसरा है कि सीड जर्मिनेट्स विदाउट अंडर गोइंग ऑल स्टेज, ये सही ऑप्शन लग रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं ऑप्शन, सीड जर्मिनेट्स बाई अंडर गोइंग फर्स्ट 2 स्टेज, सीड पहले 2 स्टेज में जा करके जर्मिनेट होता है। अगला है आपका सीड जर्मिनेट बाई अंडर गोइंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है,
कि जो सीड है उसका जर्मिनेशन होता है बिना जो है सभी स्टेजों में, बिना सभी अवस्थाओं में जाए हुए, बिना सभी अवस्थाओं से गुजरे हुए सीड का जब जर्मिनेशन हो जाता है तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को प्रिकोशियस जर्मिनेशन कहते हैं। और एक्चुअली में इस प्रकार के जर्मिनेशन में जो हमारा सीड होता है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। तो कभी कभी आप कोई फल काटिए, ठीक है, खासकर वेजिटेबल्स में या कुछ फ्रूट्स में, तो आप देखिए कि फल के अंदर ही बीज जर्मिनेट हो चुके होते हैं। तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को प्रिकोशियस जर्मिनेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17, व्हाई ग्रो आउट टेस्ट। तो जो ग्रो आउट टेस्ट होता है ये किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है ऑप्शन आपका टू डिटरमाइन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ एनी कल्टीवर, किसी भी वैरायटी की जेनेटिक प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला ऑप्शन है टू डिटरमाइन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ एनी हाइब्रिड कल्टीवर, तो किसी हाइब्रिड कल्टीवर की जेनेटिक प्योरिटी को एनालिसिस करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका टू डिटरमाइन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ए नोटिफाइड कल्टीवर, तो किसी नोटिफाइड मतलब किसी आप स्पेशल जो है आपका वैरायटी को अगर आप जेनेटिक प्योरिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। क्योंकि ग्रो आउट टेस्ट अलग अलग जो है कह सकते हैं कि वैरायटी के लिए होता है, मतलब उनके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। अगर सोयाबीन है तो उसका अलग होगा, बीन्स हैं तो अलग होगा। तो ग्रो आउट टेस्ट जो है नोटिफाइड कल्टीवर्स के लिए होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18, सीड एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन, तो जो सीड एक्ट होता, सीड एक्ट था वो इंडिया में कब इनेक्ट हुआ, मतलब कब ये लागू हुआ साथियों? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है 1964 में, बी ऑप्शन आपका 1966 में, या सी ऑप्शन आपका 1967 में, या डी ऑप्शन आपका 1956 में। तो साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? आपको पता ही होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार जरा इसको मिटा दें, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। इसमें 1966 ऑप्शन जो है आपका 1966 में जो है आपका सीड एक्ट जो है इनैक्ट हुआ था, मतलब लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19, देयर इज ए प्री रिक्वेस्टिक फॉर सीड सर्टिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड, तो कह रहे हैं कि इसमें से देयर इज ए प्री रिक्वेस्टिक फॉर सीड सर्टिफिकेशन के लिए जो है आपका एक प्री रिक्वेस्टिक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है हाइब्रिड सीड्स के लिए, किसमें? तो कह रहे हैं कॉटन में इसकी आवश्यकता पड़ती है सीड सर्टिफिकेशन के लिए प्री रिक्वेस्टिक की, या फिर आपका मस्क मिलन में, प्रिंजल में, या फिर ऑल ऑफ द अब इनमें से सभी में। तो साथ में इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है कि सीड सर्टिफिकेशन जो है आपका कॉटन, मस्क मिलन, प्रिंजल, इन सभी में आवश्यक होता है हाइब्रिड सीड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, सैंपल साइज फॉर ग्रो आउट टेस्ट फॉर जूट इज, तो अभी सैंपल साइज सॉरी अभी हमने ग्रो आउट टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि ग्रो आउट टेस्ट जो है नोटिफाइड कल्टीवर्स का की जेनेटिक प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर पूछ लिया है, किसका पूछा है? जूट का पूछा है। तो जूट का जो है आपका ग्रो आउट टेस्ट के लिए इसका सैंपल साइज कितना होता है? तो साथियों जो जूट होता है, जूट का जो सैंपल साइज है वो आपका 100 ग्राम होता है कि 250 ग्राम, या 500 ग्राम, या 150 ग्राम? तो साथियों पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 100 ग्राम जो है इसका सैंपल साइज होता है, किसका? जूट का। तो याद रखिएगा जूट का सैंपल साइज ग्रो आउट टेस्ट के लिए वो 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ थोड़ा सा आसान भी है, तो मुझे लगता है कि सभी हमारे साथियों को पता भी होगा। डॉकेज इज दैट, डॉकेज क्या है? तो डॉकेज जो है आपका इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड है, मुझे लगता है कि यही सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है कि आपका प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड, या सी ऑप्शन आइदर ए आर बी, ए या बी में से, ए और बी में से कोई एक, या डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जो डॉकेज जो होता है वो आपका इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी परसेंट ऑफ सीड होता है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, 21 का जो ए ऑप्शन है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डॉकेज जो है आपका इम्प्योरिटी परसेंटेज होती है सीड की, जो सीड है आपका सीड में कितना इम्प्योरिटी है उसके परसेंटेज को, इम्प्योरिटी परसेंटेज को डॉकेज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाटा दिया गया है, तो देखते हैं क्या है। तो दिया गया है प्योरिटी ऑफ सीड्स, सीड की प्योरिटी को दिया गया है 99.97%, जर्मिनेशन परसेंटेज दिया गया है 91.66%। तो इन दोनों डाटा पर ये पूछा है, तो इनको याद रखिएगा। प्योरिटी दिया गया है, इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, प्योरिटी 99.97, एक मिनट, प्योरिटी जो दिया गया है 99.97 है, 99.97। और दूसरा जो डाटा दिया गया है वो था जर्मिनेशन, जर्मिनेशन था 91, क्या था ऐसे कुछ था, एक मिनट देख लेते हैं जरा, 91.66 ये जर्मिनेशन था। अब इन दोनों डाटा पर हमारा क्वेश्चन है कि देन व्हाट विल द रियल वैल्यू ऑफ सीड, तो रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होगी? तो साथियों रियल वैल्यू ऑफ सीड का एक फार्मूला होता है, वो है आपका
प्योरिटी परसेंटेज इनटू आपका जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो साथ में जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 99.97, 91.66 और उसको 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी देख लिया है तो इसका जो ऑप्शन आता है वो 91.63 आता है। आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 99.97 × 91.66, उसके बाद 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको ऑप्शन ये आ जाएगा 91.63, आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, द कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ए सीड डिपेंड्स ऑन, तो जो सीड की जर्मिनेशन की जो क्षमता होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर होती है। तो साथियों सीड वेगर पर निर्भर होती है या सीड वाइबिलिटी पर या बोथ ए एंड बी पर या नॉन ऑफ द एब। तो साथियों सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो सीड का जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो दोनों पर डिपेंड करती है। सीड का विगर भी डिपेंड करता है और इसकी वाइबिलिटी भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, द सीड वाइबिलिटी टेस्ट इज आल्सो नोन एज, जो सीड की जो वाइबिलिटी टेस्ट होती है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे टी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जेड टेस्ट के नाम से जानते हैं, जर्मिनेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं या टी जेड टेस्ट के नाम से जानते हैं। साथियों यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है कि सीड वाइबिलिटी टेस्ट को हम टी जेड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। टी जेड टेस्ट मीन्स आपका सीड वाइबिलिटी टेस्ट को टी जेड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, और ये अब हम अपने आधे मुकाम पर पहुँचाए हैं। 25 क्वेश्चंस को हम कवर कर लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन सीड वाइबिलिटी टेस्ट इज, तो सीड वाइबिलिटी टेस्ट को अभी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पहला स्टेप क्या आता है। तो पहला स्टेप आता है एम्बिशन आता है, बी ऑप्शन आपका स्टेनिंग आता है, सी ऑप्शन आपका इवेल्युएशन आता है या डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ द। तो साथियों पहला ही ऑप्शन आपका सही है। सीड वाइबिलिटी में जो सीड वाइबिलिटी जब टेस्ट करते हैं तो उसमें पहला ऑप्शन आपका एम्बिशन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26, इसमें भी कुछ डाटा दिया गया है और उस बेस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या दिया गया है इसमें। प्योरिटी ऑफ सीड दिया गया है 80% और वाइबिलिटी ऑफ सीड दिया गया है 90%। तो दो चीज़ें इसमें दी गई है। तो देन व्हाट विल द प्योर लाइव सीड, तो प्योर लाइव सीड आपको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 80 × 90 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.72 यानी 7200। अब इसको 100 से इसको डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, हो जाएगा आपका 72। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्योरिटी ऑफ सीड जो है आपका और वाइबिलिटी ऑफ सीड अगर दिया गया है तो आप वो जो है प्योर लाइव सीड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और वो होगा साथियों 72। आपका ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस इज नेसेसरी टू, आइसोलेशन डिस्टेंस किस लिए आवश्यक होता है। तो साथियों आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। क्रॉस पॉलिनेशन हो जाने से भी जो हमारा जो डिजायरेबल जो करेक्टर्स जो हम चाह रहे हैं वो फिर नहीं मिल पाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर राइस इज, राइस के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। तो राइस के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है साथियों। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए 4 मीटर, बी ऑप्शन आपका 5 मीटर, थ्री ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका 3 मीटर और आपका डी ऑप्शन आपका 2 मीटर। तो साथियों आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो नॉर्मली अगर इसे पूछ ले तो 2 मीटर है और अगर स्पेशली आपका पूछे कि सर्टिफाइड सीड के लिए ठीक है या और किसी प्रकार से अगर पूछता है तो उसमें आपका इसकी इसकी जो है डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वहाँ पर 3 मीटर आपका सही होगा। तो ऐसे ही अगर किसी ने किसी स्पेशल डिस्टेंस के बारे में से नहीं पूछा है किसी स्पेशल सीड के पर्पज़ में तो आप 2 मीटर रखेंगे, सही है आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो 2 मीटर है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29, टेस्ट वेट होता है आपका वेट ऑफ 10 सीड्स, 10 बीजों का वजन होता है, वेट ऑफ 1000 सीड्स, वेट ऑफ 100 सीड्स या वेट ऑफ 10,000 सीड्स। तो साथियों आपको सबको पता होगा कि टेस्ट वेट क्या है। टेस्ट वेट जो होता है वो आपका 1000 बीजों का वजन होता है और एक होता है सीड इंडेक्स। अभी आगे आपको देखिए 31 में आपको दिया गया है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर ही, जो 31 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सीड इंडेक्स के बारे में पूछा है तो वो होता है 100 सीड्स का वेट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30, द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड मेज सीड इज,
तो मेज सीड का जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है सर्टिफाइड मेज के लिए, तो वो होता है आपका 200 मीटर। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन है, 200 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइसोलेशन डिस्टेंस सर्टिफाइड मेज सीड के लिए वो 200 मीटर होता है, 200 मीटर्स होता है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एक प्रकार से। ऊपर हमने पूछा था सीड वेट के बारे में, अब हम सीड इंडेक्स के बारे में पूछ रहे हैं साथियों। देखिए कौन सा आता है, सॉरी, टेस्ट वेट के बारे में पूछा था हमने, और अब हम पूछ रहे हैं आपका सीड इंडेक्स के बारे में। तो टेस्ट वेट में हमने बताया था कि उसमें जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट इज इक्वल होता है आपका वेट ऑफ 1000 सीड्स, और जो सीड इंडेक्स है वो होता है आपका वेट ऑफ 100 ग्राम सीड। ये क्या दिया, 100 सीड होना चाहिए, ग्राम लिख दिया है क्या इसने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने। 31 जो है आपका क्वेश्चन, इसमें ग्राम नहीं टर्म यूज़ करना चाहिए था। तो सीड इंडेक्स इज़ अ वेट ऑफ 100 सीड्स, ठीक है, ऐसे इस टाइप से होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, वेट ऑफ 100 सीड से होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32, सॉयल डिवाइडर इज यूज फॉर सैम्पलिंग। सॉयल डिवाइडर जो है किसकी सैम्पलिंग के लिए यूज किया जाता है, छोटे बीजों के लिए या बड़े बीजों के लिए? दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। जो बड़े बीज होते हैं उनको सैंपल के लिए, उनकी सैंपलिंग के लिए सॉयल डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जितने क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि इस लेक्चर से आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रैंडम कप मेथड इज़ सुटेबल फॉर सैंपलिंग। जो कप मेथड होता है, रैंडम कप मेथड, ये किसकी सैंपलिंग के लिए सुटेबल होता है? तो साथियों है 100 ग्राम सीड्स की सैंपलिंग के लिए, 15 ग्राम सीड की सैंपलिंग के लिए, 25 ग्राम सीड की सैंपलिंग के लिए, या 50 ग्राम सीड की सैंपलिंग के लिए? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, कि इसमें जो आपका ये 10 ग्राम सीड की सैंपलिंग के लिए रैंडम कप मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो रैंडम कप मेथड इज रिलेटेड टू 10 ग्राम सीड सैंपलिंग, 10 ग्राम सीड की सैंपलिंग से रिलेटेड है आपका रैंडम कप मेथड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34, फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस इन ग्राउंड नट रिक्वायर्स। जो फिजिकल प्योरिटी होती है एनालिसिस, फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस में ग्राउंड नट की आवश्यकता होती है। तो ग्राउंड नट के बीज की बात कर रहा है, कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 10 ग्राम सीड की आवश्यकता होती है, 1000 ग्राम सीड की आवश्यकता होती है, 100 ग्राम सीड की आवश्यकता होती है, या एनी ऑफ द अब इनमें से सभी जो है आपका, या ऑल ऑफ द अब ऐसे कर सकते थे इसको। तो फिजिकल प्योरिटी जब एनालिसिस करेंगे ग्राउंड नट की, तो उसमें आपको कितने सीड की आवश्यकता होगी? तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 100 ग्राम सीड्स जो है आवश्यक होते हैं ग्राउंड नट में फिजिकल प्योरिटी की एनालिसिस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 डॉट 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 करके है, इज़ द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सीड मॉइस्चर एस्टिमेशन। तो किस प्रकार की ड्राइंग जो है आपका स्टैंडर्ड मेथड होता है सीड मॉइस्चर को एस्टिमेट करने के लिए? तो साथियों ऑप्शन है आपका कि सन ड्राइंग होता है, सन ड्राइंग, बी ऑप्शन आपका सीड ड्राइंग, या सी ऑप्शन आपका ओवन ड्राइंग। तो ओवन ड्राइंग जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है, ओवन ड्राइंग इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सीड मॉइस्चर एस्टिमेशन। सीड मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए ओवन ड्राइंग जो होता है वो स्टैंडर्ड मेथड है, तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोस्पर्मिक सीड। इनमें से कौन जो है इंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? तो इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, इसको हमने क्लासेस में कई बार बताया है आपको, अगर आपको नहीं पता है तो इस टॉपिक पर भी हम जल्दी आपको एक लेक्चर से आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं कि इंडोस्पर्मिक सीड होता क्या है। वैसे हमने जब आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था, तो क्रॉप्स में हमने जब उसके डिस्क्रिप्शंस पढ़ाए थे, तो हमने आपको इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में आपको बताया था कि इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोस्पर्मिक सीड, इसमें से कौन सा इंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? तो कैस्टर या ग्राम या राइस या सॉरी कैस्टर मेज राइस या ग्राम। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, ग्राम जो है इसमें आपका इंडोस्पर्मिक सीड की कैटेगरी में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फिजिकल प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सोयाबीन इज। तो सोयाबीन की सर्टिफिकेशन के लिए फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए साथियों। तो फिजिकल प्योरिटी सोयाबीन के सर्टिफिकेशन के लिए कितनी होनी चाहिए?
93%, 97%, 99% या 95%। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है, 97% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका 97% फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए अगर उसकी सोयाबीन की सर्टिफिकेशन आप चाहते हैं तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38, डॉर्मेंसी डॉट डॉट करके डॉर्मेंसी इस पैडी कैन बी ब्रोकन बाई, तो पैडी की जो डॉर्मेंसी है वो किसके द्वारा ब्रोकन की जा सकती है। तो साथियों ऑप्शन है आपका HNO3 के द्वारा, KNO3 के द्वारा, बोथ AN2 एंड डी ऑप्शन आपका थायो यूरिया। तो ये किसके द्वारा जो है ब्रोकन की जा सकती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पहले दोनों जो है आपका नाइट्रिक अम्ल और आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो है दोनों के दोनों जो है आपका पैडी की डॉर्मेंसी को ब्रोकन करने में सहायक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ AN2 दिया है इसने, इसको बोथ AN2 देना चाहिए था, 1 and 2 दिया है इसने, चलिए कोई बात नहीं। HNO3 और KNO3 दोनों के दोनों जो है आपका पैडी की डॉर्मेंसी को तोड़ने में सहायक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का 39, विच कैन बी द ग्रोइंग मीडिया फॉर रेजिंग द सीडलिंग इन ए नर्सरी। तो इनमें से कौन जो है ग्रोइंग मीडिया हो सकता है सीडलिंग की नर्सरी के लिए। तो पहला है आपका परलाइट, बी ऑप्शन आपका सॉयल, सी ऑप्शन आपका स्पैगनम मॉस या आपका स्पैगनम क्या इसको स्पैगनम ठीक है नाम सही है मॉस होता है स्पैगनम मॉस या ऑल ऑफ द। तो साथियों इसमें कौन सा जो है आपका नर्सरी की जो है जो सीडलिंग की नर्सरी होती है उसकी रेजिंग के लिए ग्रोइंग मीडिया का काम करता है। तो साथ ही सभी के सभी हैं, सॉइल की भी आवश्यकता होती है, परलाइट भी आवश्यक होता है, स्पैगनम मॉस की भी आवश्यकता हो सकती है, ये भी सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40, आइसोलेशन डिस्टेंस यूज्ड फॉर राइस फाउंडेशन सीड। तो राइस की फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा है इसने। तो साथियों इसमें सीधी सी बात है, इसमें जो पहले तीन ऑप्शन है तो आपके कभी सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राइस जो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस जो है आपका नहीं रखा जाता है इसमें। तो आपका जो आपका डी ऑप्शन है आपका 3 मीटर वो जो है आपका सही हो जाएगा, आपका 3 मीटर सही है, डी ऑप्शन आपका वो 3 मीटर हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती ही नहीं, तो एक पौधे दूसरे पौधे को बहुत कम जो है एक प्रकार से जो है इनेक्ट करती है, एक इंटरफेयर करती है, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस को उतना नहीं रखा जाता है। तो 3 मीटर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन, 3 मीटर आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41, तो अब 10 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। 41 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ वायबिलिटी ऑफ सीड। तो इसमें से कौन सा वायबिलिटी टेस्ट के लिए जो है यूज किया जाता है। साथियों पहला देखिए आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड, बी ऑप्शन आपका एम्ब्रियो कल्चर मेथड, तीसरा आपका इंडोकार्माइन मेथड या डी ऑप्शन आपका पोटेशियम, क्या पूछा है इसने वायबिलिटी ऑफ सीड। तो साथियों वायबिलिटी ऑफ सीड के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है देखने की आवश्यकता नहीं है। तो टेट्राजोलियम क्लोराइड आपका वायबिलिटी ऑफ सीड के लिए जो है यूज किया जाता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर का 42, डॉर्मेंसी ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन डीपर लेयर इज कॉल्ड एज। तो डॉर्मेंसी जो होती है किसकी वजह से, देयर प्रेजेंस इन डीपर लेयर, तो अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है। तो अंदर वाली लेयर के कारण जब डॉर्मेंसी होती है तो उसे किस प्रकार की डॉर्मेंसी कहते हैं। तो साथियों उसके लेटर यूज किया जाता है इनफोर्स डॉर्मेंसी, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इनफोर्स डॉर्मेंसी उस डॉर्मेंसी को कहते हैं जो डीपर लेयर की प्रेजेंस की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर का 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू हरियाली योजना। हरियाली योजना जो है आपका किससे संबंधित है, किस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। तो साथियों ये सॉयल मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि क्रॉप मैनेजमेंट से या ग्रास मैनेजमेंट से, तो बी ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन वाटर मैनेजमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। हरियाली योजना इज़ रिलेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है आपका हरियाली योजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड या इज नोन, दैट्स नोन एज एपोमिक्सिस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि बिना निषेचन के जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का 45th, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कलीफ्लावर इज नोन एज, तो कलीफ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैटकिन कहते हैं, हेड कहते हैं, या कर्ड कहते हैं, या बल्ब कहते हैं। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट ऑप्शन है, कलीफ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस को कर्ड के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, कर्ड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कलीफ्लावर इज नोन एज कर्ड, कर्ड आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर का 46, मिडल लेयर ऑफ फ्रूट वॉल इज कॉल्ड, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो फ्रूट होता है फ्रूट वॉल की मिडल लेयर को क्या कहते हैं। तो साथियों पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, फ्रूट वॉल के मिडल लेयर को मीजोकार्प के नाम से जाना जाता है। जो इसकी फ्रूट की जो वॉल होती है या बॉडी वॉल होती है साथियों, उसे पेरिकार्प कहते हैं, और पेरिकार्प तीन कार्प से बनी होती है यूजुअली, जो एक डेवलप जो आपका बॉडी फ्रूट की वॉल होती है वो होता है आपका एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प, ठीक है। तो इसमें आपका बीच वाला जो होता है मिडल लेयर जो होती है उसे मीजोकार्प कहते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का 47, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन यानी इस्टा वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो इस्टा को कब फाउंडेड किया गया, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया साथियों, तो 1824 में, 1876 में, 1914 में, या 1924 में। तो साथियों आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 1924 में इस्टा यानी इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन को फाउंडेड किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48, जनरली हाउ मैनी जनरेशन सिस्टम सीड्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया, तो भारत में कितनी सीड की जनरेशंस को जनरली जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो साथियों ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है दो, या सी ऑप्शन है तीन, या डी ऑप्शन है चार, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तीन जनरेशन ही ज़्यादातर प्रोड्यूस की जाती हैं साथियों, तीन जनरेशन है ज़्यादातर प्रोड्यूस की जाती हैं भारत में जो है सीड की तीन जनरेशंस प्रोड्यूस की जाती हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर का 49, फ्री फ्रॉम इनर्ट मैटर एंड डिफेक्टिव सीड्स आर टर्म एज, तो जो सीड जो है हमारा वो इनर्ट मैटर से और डिफेक्टिव सीड से फ्री होता है, इस प्रकार की हम प्योरिटी को क्या कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार की प्योरिटी को फिजिकल प्योरिटी कहते हैं, फिजिकल प्योरिटी मीन्स दैट सीड इज़ फ्री फ्रॉम इनर्ट मैटर एंड डिफेक्टिव सीड्स, तो उसमें डिफेक्टिव सीड भी नहीं होता है और उसमें इनर्ट मैटर भी नहीं होता है। तो जब इनर्ट मैटर और डिफेक्टिव सीड्स ना हो तो इस प्रकार की प्योरिटी को फिजिकल प्योरिटी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं आज के इस लेक्चर का, और हमारा क्वेश्चन है कि इम्प्रूव्ड सीड इंक्लूड्स, जो इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं उन्नतशील जो बीज होते हैं उनकी कैटेगरी में कौन कौन से सीड आते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ब्रीडर सीड आता है उसमें, बी ऑप्शन आपका फाउंडेशन सीड आता है, सी ऑप्शन न्यूक्लियर सीड आता है, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द, तो साथियों इसमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उन्नतशील बीज की कैटेगरी में ये सभी के सभी आते हैं, ब्रीडर सीड भी आते हैं, फाउंडेशन सीड भी आते हैं, न्यूक्लियर सीड भी आता है, ये सभी के सभी आते हैं। तो साथियों ये था हमारा 50 क्वेश्चंस का MCQs क्वेश्चंस का पैकेज। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जल्द ही इसका हम पार्ट टू लेकर आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस लेक्चर में कंडक्ट किए गए हैं, कवर किए गए हैं। तो जल्द एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लेक्चर को देखते रहिए, अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय।